दशहरा पर्व को लेकर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री दशहरा कमेटी के द्वारा गया शहर के जीबी रोड स्थित कोतवाली थाना के समीप भरत मिलाप समारोह का आयोजन किया गया। दशहरा कमेटी के द्वारा शहर के भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत एवं साथी श्री आदर्श लीला समिति के द्वारा बनाए गए कलाकारों के द्वारा भरत मिलाप किया गया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया गया था, जिसे देखने के लिए शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी काफी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। कार्यक्रम है, इसमें उत्तर दिशा से भरत जी आते हैं और दक्षिण से भगवान राम, और यहीं पर उनका मिलन होता है। यह मिलन देखने योग्य है, भाइयों का मिलन। और इसके बीच बात पहले हम लोग 18 तारीख से ही इस कार्यक्रम के पहले हम लोग आयोजित करते हैं, जो गांधी मैदान में 3 पुतला को खड़ा करते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। 18 को जो खड़ा करते हैं, उसके बाद सिविल लाइन से फोर्स आता है और पुतला के सुरक्षा हेतु उनके हैंडओवर किए जाते हैं। 19 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा भव्य कार्यक्रम, डमरू नृत्य के साथ राम जानकी की भव यात्रा शिकारी रोड, बीबी रोड और सिविल लाइन होते हुए 5:30 बजे पहुंची और वहां रंगारंग कार्यक्रम हुआ, लंका दहन और रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का वध। इसके पश्चात आज 20 तारीख को यह राम और भरत का मिलाप है, इसको आप सभी आमंत्रित हैं, आप आए और इस कार्यक्रम में भाग लें। धन्यवाद। दुर्गा पूजा के मौके पर शहर में तो कई स्थानों पर माता दुर्गा का प्रतिमा का स्थापना की जाती है, परंतु पुराने परंपरा के अनुसार बीते कई वर्षों से शहर में अभी तत्काल में 5 स्थानों पर लाइसेंसी मात्र का प्रतिमा का स्थापना की जाती है। इस मूर्ति विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सड़क के दोनों किनारे ब्रैकेटिंग की व्यवस्था की जाती है। वहीं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम की जाती है। इस मौके पर जिला पदाधिकारी, सदर SDO, SSP के अलावे गया शहर के कई वरीय अधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस कर्मी उपस्थित होकर मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। कोच के कोरिया में गुजरात के मोबलिचिंग में मृत अमरजीत सिंह के परिजनों से मिले भोजपुरी गायक सह अभिनेता खेसारी लाल यादव। अमरजीत के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उठाई जिम्मेदारी और खुद को घर का बताया बेटा। दोनों को मैं गोद ले रहा हूं और जब तक जीवन है तब तक इनके लिए जो भी हो सकेगा मैं अपने तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि इनके हर दुख में हर सुख में मैं इनके साथ रहूं। वक्त तो मेरे पास बहुत कम है, लेकिन उसी में वक्त निकाल के जब भी इधर आऊंगा अपने बच्चों से मिलने में जरूर आऊंगा। इस परिवार का मैं एक बेटा हूं, आज से मैं भी इस परिवार का एक बेटा हूं, जितने भी जो भी चीजें होगी मैं इस परिवार के लिए करूंगा। गया जिला के बांकी बाजार थाना क्षेत्र के जोंगी गांव में विवाहित गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला को मेडिकल जांच के लिए गया शहर के प्रभावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह इस मामले में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गयी है। दरअसल पूरा मामला यह है कि विजयदशमी के शाम में महिला अपने घर से शौच करने के लिए निकली थी कि गाँव के ही एक युवक ने अकेली महिला को देखकर उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। खून से लथपथ महिला अपने घर पहुंची और पूरी घटना को बताया, जिसके बाद
परिजनों ने महिला को लेकर थाना गए, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद दर्द से तड़प रही महिला को पीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को रेफर कर दिया गया। वहीं मामले को तूल पकड़ने के बाद और ग्रामीण के दबाव के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला को दर्ज किया। लैट्रिन पर बैठा हुआ है, ब्लीडिंग चालू कर दिया, घर के पकार के ले गया घर। कहाँ थे? बाद में थे है? बाद में थे। वहाँ क्यों गए थे? पीछे टंकी के पास है? पीछे टंकी के पास लैट्रिन करे। अच्छा, तो क्या हुआ? कौन आया था? वो लड़का महीना टंकी के बेटा आया था। पूरा काम किया? पूरा ब्लीडिंग चालू कर दिया है। गिरफ्तार हुआ? हाँ, पकड़ा गया सर। पहचानते हैं? क्या महीना चौधरी के बेटा है? नाम नहीं जानते हैं, कि महीना चौधरी के बेटा चिन्हते हैं सर। 7 बजे गया बाहर, उसको लड़का पकड़ के गलत मार किया। हम घर गए थे, मैंने से गया तो बोलने के हमको जान नहीं बचेगा, फलन लड़का इसे कर दिया। गलत? हाँ गलत। कहाँ गई थी? बाहर गई थी लैट्रिन। क्या करने? लैट्रिन करने। तो क्या हुआ था? कौन आया? नहीं, घर गया ही छछना ही, तो फिर बोलने लगा तो हमने फिर लेकर आए। क्या बोले? कि हमको मेहनत चौधरी के बेटा इसे कर दिया, पटक के हाथ गलत कर दिया। पुलिस के पास गए थे? हाँ, पुलिस के पास गए। क्या हुआ? पुलिस के पास हुआ कि माँ रिपोर्ट लिखे, फिर गए भी, फिर उन्होंने शाम के कह रहे हैं कि नहीं है। क्या नहीं है? मैंने भगा दिया गया। अच्छा, थाना से भगा दिया? हाँ, तो फिर सरकारी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से जाँच करवा के पानी लगवा के, और फिर वहाँ से कह दिया कि गया ले जाना पड़ेगा, सर लेके जाइए और सवेरे। हाँ, पकड़ा गया। गिरफ्तार कर लिया? हाँ, पकड़ा। गया के धर्मसभा भवन में बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ जिला शाखा गया का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार शामिल हुए। वहीं सम्मेलन का उद्घाटन फीता काट कर नहीं, बल्कि फीता को जोड़कर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। मौके पर सैकड़ों ग्राम रक्षा दल व दलपति के सिपाही शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री कमलेश कुमार राय शामिल हुए। दलपति एवं ग्राम रक्षा दल के जो सदस्य हैं उनका 9 सूत्री मांग है जाकर के। मैं मांग देख रहा था और राज्य के विकास में और राज्य के विकास के साथ साथ राज्य को अपराध मुक्त बनाने में और शिक्षित एवं स्वस्थ बिहार के निर्माण में हमारे सभी दलपति ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की अहम भूमिका आया करती है, इसकी हम सराहना करते हैं। और ये सब गरीब परिवार से आते जाकर के, मुझे खुशी है और इनके जो मांग है, इन मांगों के बारे में हम कहना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर जिन जिन विभागों से संबंधित मैं देख रहा, एक तो माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ा विषय उनके विभाग संबंधी जाकर के, एक माननीय पंचायती राज्य मंत्री से जुड़ा विषय जाकर के, तो ऐसे विभिन्न विभागों से जुड़ा जहाँ जहाँ है, मैं अपने स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे जाकर के। इनका जो डिमांड है, डिमांड हमारी सरकार डिमांड सांसद पर विचार करे जाकर के, और दूसरा पंचायती राज के माननीय मंत्री से हम बात करेंगे। जहां भी इनका मामला जिस स्तर पर लंबित है, हमारा प्रयास होगा इनका जो 9 सूत्री मांग है उसके लिए हम पहल करेंगे, प्रयास करेंगे। और मोक्ष की धरती पर बिहार दलपति ग्राम रक्षा दल महासंघ का जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे इस महासम्मेलन का मुख्य अतिथि आदरणीय
माननीय श्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं और हमारे इस जिला के तमाम ग्राम रक्षा दल के महिला एवं पुरुष सिपाही। इस सम्मेलन में मुख्य तौर पर सम्मेलन का उद्देश्य है कि गुजरात सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी ने ग्राम रक्षा दल को 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से और 30 रुपया यात्रा भत्ता प्रतिदिन के हिसाब से कुल 39 रुपये प्रति माह वहाँ मानदेय निर्धारित किया है। मैं सरकार राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि गुजरात सरकार के तर्ज पर बिहार में भी ग्राम रक्षा दल के साथ न्याय हो, और तभी न्याय के साथ विकास हो सकता है जब ग्राम रक्षा दल को जो पंचायत का निचली इकाई है इनका उत्थान होगा, इनको एक्टिवेट किया जाएगा, इनको सशक्त किया जाएगा, तभी पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होगा। ऐसा हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि गुजरात सरकार के तर्ज पर यहाँ भी सरकार बीजेपी और जदयू की कंबाइंड सरकार ये सरकार हमारे जायज मांगों को पूर्ति करे, अन्यथा हमारे महासंघ के कार्य समिति निकट भविष्य में जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें हम एक निर्णय लेंगे कि हम किसके पक्ष में जाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे इस सरकार से इस समय रहते हमारे ग्राम रक्षा दल को मांगों को पूर्ति करे। सैन्य अस्पताल अवसर प्रशिक्षण अकादमी के फल्गु हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन सैन्य अस्पताल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डॉक्टर नीलम दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस रक्तदान शिविर में कुल 23 जवानों ने रक्तदान किया। इस मौके पर मेजर श्री शंकर दुबे, नायब सूबेदार मोहन सिंह, डॉक्टर नसीम अहमद सहित कई लोग मौजूद थे। इस संबंध में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नीलम दीक्षित ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया है, जिससे आम लोगों भी रक्तदान करने में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि रक्तदान महादान यानी एक व्यक्ति के रक्तदान से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स तेज टावर, एड्रेस रसलपुर अपोजिट जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, गया पटना रोड, गया। नाउ फर्स्ट टाइम इन गया। कॉन्टैक्ट फॉर बुकिंग अपार्टमेंट। ऑफिस एड्रेस सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस कोयरी बारी अपोजिट परम ज्ञान निकेतन स्कूल, गया। फैसिलिटीज क्लब हाउस, इंटरकॉम, कार पार्किंग, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी सीसीटीवी, इंडोर गेम, वास्तु फ्रेंडली सिक्योरिटी, जिनसेट, लिफ्ट, वाईफाई, रीडिंग हॉल, कॉमन हॉल, शॉपिंग एरिया, एरोबिक क्लासेस। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, हरी अप, बुकिंग ओपन। तेज टावर, एड्रेस रसलपुर अपोजिट जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, गया पटना रोड, गया। नाउ फर्स्ट टाइम इन गया। ऑफिस एड्रेस सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस कोयरी बारी अपोजिट परम ज्ञान निकेतन स्कूल, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 8434549676 और 7462835223।